ओके, तो टाइम हो रहा है सुबह का 8 और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ये रोहिन करके कोई जगह का नाम है और अभी हम निकलेंगे यहाँ से सीधे कुल्लू और मोनू सर से मिलते हैं वहाँ पे। ओके, तो ये निकले हम कुल्लू के लिए। तो सुबह सुबह आई हुई है बढ़िया सी धूप। वाह, आज बहुत बढ़िया हो रहा है यार मौसम। हल्का हल्का ठंड हो रहा है और साथ में धूप लगी है। और सुबह 8 बजे ये हम निकल चुके हैं कुल्लू के लिए। और ये आ गई टनल सामने, टनल नंबर 4 हो गई है क्योंकि हमने 3 तो पार कर ली थी कल। ये आ गए हम, ये टनल नंबर 4 और ये हुई हमारी एंट्री टनल में। और ये आ गए हम बाहर। ओके, तो ये एक बड़ी सी नहर आई है यहाँ पे। ये मेरे ख्याल से हम सुंदर नगर पहुंच गए हैं। तो भाई ये रुके हैं अभी हम रास्ते में। ये लगी है इधर हमारी बाइकें और ये इधर है कोई कृष्णा गेस्ट हाउस। तो यहाँ पे हम लोग अभी नाश्ता वगैरह करने वाले हैं। नाश्ता के हम तो चाय पी रहे हैं पहले, तो फिर देखते हैं नाश्ते का। ठीक है, यहाँ पे अपना चाय नाश्ता वगैरह करते हैं फिर चलते हैं आगे। वो आप कर लो, बहस लो। आप बता, रिचार्जर उनगर सीधा कह दो उनको वैंकर। देख यार, वीडियो देखने के लिए रिचार्ज कर दो बोले यार, कोई बात हुई मतलब। ओके, तो ये पराठे आ गए हैं यहाँ पे हमारे और पराठे काफ़ी बड़े बड़े हैं। पहले मैं सोच रहा था 2 मंगाने पड़ेंगे, पर फिलहाल मुझे लग रहा है कि 1 से भी काम हो जाएगा। अरे अचार डालू? बिल्कुल डालिए, पैसे दे रखे हैं ना, अचार तो खाना ही पड़ेगा। कम कम, ज़्यादा ज़्यादा? ज़्यादा ज़्यादा डालो, इतने भी पैसे नहीं दे रखे, ज्यादा ज्यादा डालो है। बनाने में परफेक्ट है। क्या लग रहा है, एक पराठा और खाया जा सकता है? मेरा बस। क्या बोलते हैं सर, खाया जा सकता है? एक में से आधा आधा खा लो, पूरा नहीं खाया। 2 मंगा लो, आधा आधा चारों खा लेते हैं। तो जी नाश्ता करके निकल गए हैं अब हम ये फिर से कुल्लू के लिए। राणा जी और माँ साहब बढ़ गए आगे को। तो यहाँ पे लगा हुआ है जाम। ये पांडोह नाम से कोई जगह है जो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। 3 गाड़ियाँ हैं हमारी, जिसमें से 2 हैं UK 05 पिथौरागढ़ की और मेरी है UK 04 नैनीताल की। कुल्लू रह गया यहाँ से 40 किलोमीटर। ये आ गया टनल नंबर 11।
वाली टनल खत्म हुई और ये बाहर आ गए हम। तो देखो यहाँ पे बाइकों में पेट्रोल वगैरह डला रहे हैं, मेरे उसमें तो है, मैंने कल शाम ही डलाया था फुल टैंक। चलें क्या? ये फोटो है? अच्छा वीडियो। भाई यहाँ से आ गए हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़। यहाँ रहता अंधेरा। तो भाई ये किसी ब्रिज के सामने रुके हुए हम, मोनू सर और माँ साहब रह गए हैं पीछे की तरफ ही। अभी उनका फ़ोन आया था कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, तो मैंने कहा मैं ये इस ब्रिज के वहाँ पे पहुँचा हूँ, फ़ोटो भेजी उन्हें, तो आ रहे होंगे अभी, वेट कर रहे हैं उनका। 5 मिनट तो हो गए हमें खड़े खड़े यहाँ, अभी तक आए नहीं, पता नहीं कैसे पीछे छूट गए। तो आते हैं वो लोग, फिर बढ़ते हैं आगे को। फाइनली आ गए अपने माँ साहब और राणा जी। चलो राणा जी लोग कह रहे हैं 2 मिनट का ब्रेक यहाँ पे भी ले ही लेते हैं। ले ही लो भी। हाँ ले ही लेते हैं। ये नदी कौन सी है? ये नदी? हाँ जिसमें पानी बह रहा है। हाँ वही वाली जिसमें पानी बह रहा है। हाँ बह रहा है, बस इतना पता है मुझे। हाँ, तो हाँ मगर व्यू बड़ा अच्छा आ रहा है भाई। हाँ व्यू वाकई में यहाँ पे बड़ा अच्छा है, ये ब्रिज के संग नदी ना बहुत सही लग रही है। अगर ये पानी हरा आ रहा होता तो और ही मजा आ जाता। बाकी देखो ये लगी है हमारी तीनों की बाइक। तो फाइनली पहुंच गए हम मोनू सर के पास कुल्लू, और मिलते हैं मोनू सर से। उतरो और से देखो इस इंसान को, लगता है आज बहुत बिजी चल रहे हो। बहुत ज्यादा बिजी। अच्छा बहुत ज्यादा। अरे मुझे तेरा वैसा ही है, बदला ही नहीं भाई इंसान है। नमस्ते सर, कैसे हो? बढ़िया। कैसा रहा सफर आपका? मस्त। मुझे 5 मिनट दो, 5 मिनट में थोड़ा सा। मेरा कैमरा ही बुझ गया। ठीक चलो, मिलकर काफी अच्छा लगा। तो जी मोनू सर से विदाई लेने के बाद हम लोग चल चुके हैं मनाली की तरफ। आज देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं, सिस्सू तक पहुँचने का अंदाज़ा है। तो जी ये पहुँच गए हैं मनाली, हालांकि हम तो मनाली रुकेंगे नहीं, हम मनाली से आगे बढ़ लेंगे। सिस्सू है यहाँ से 41 किलोमीटर, टाइम दिखा रहा है 1 घंटा 20 मिनट सिस्सू पहुँचने में। तो यहाँ है देखो नज़ारे यार, ज़बरदस्त पहाड़, क्या मस्त लग रहे हैं। इसके पीछे क्या है, कोई नदी वदी है क्या? अब बढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे मनाली से ऊपर को। तो भाई यहाँ से आ गए हैं बढ़िया से नज़ारे, पहाड़ दिखने लगे हैं, उसके ऊपर कोहरा लगने लगा है यार। कोहरा या धुंध जो भी कहो, जो भी है वो, पर मतलब आगे अब ठंडा ठंडा होने लग जाएगा। तो यह है कुछ नज़ारा हमारी खिड़की से बाहर का। ओके तो अभी हम लोग हैं सिस्सू में, और सिस्सू में यह होटल है, होटल सिस्सू। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए थे रात को लगभग 7:30 बजे, और मेरा जो गोप्रो है ना वो अटल टनल से पहले ही मेमोरी कार्ड फुल हो गया, तो वहाँ से मैं शूट नहीं कर पाया, थोड़ा बहुत मोबाइल से करा था। तो यही है, हम लोग रुके थे कल रात सिस्सू पे और खाना वगैरह खाया था। खाना कैसा था यहाँ का? अच्छा ही था, पर मेरे को ज़्यादा भूख नहीं थी तो मैं खा नहीं पाया था।
तो अभी नेक्स्ट व्लॉग में हम जाने वाले हैं सिस्सू से गोनबोरंगजन। हाँ, उम्मीद तो वही है कि गोनबोरंगजन जाएंगे और हो सकेगा तो फुतकल मोनेस्ट्री भी जाएंगे। तो फिलहाल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। गुड बाय।